अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हर मकदम है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही जायकेदार, बहुत ही लजीज दम का मुर्ग। जी हाँ, दम का चिकन। जब कभी आप बहुत थके हुए हो लेकिन आपको कुछ अच्छा सा बनाना हो बगैर किसी झंझट के, बगैर किसी मेहनत के, तो हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके भी ये चिकन बहुत ही लजीज बनेगी। और रेसिपी पसंद आए तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो ये देखिए, दम का चिकन बनाने के लिए मैंने ली हूँ 1.25 किलो चिकन। इससे अच्छे से मैंने वॉश कर ली। अब मैंने डाली 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ही डालेंगे लाल मिर्चें कुटी हुई। अगर आपके पास कुटी हुई मिर्चें ना हो तो आप लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा ले लें। और तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने डाली धनिया पाउडर और साथ में डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। 1/2 टीस्पून ही डाल रही हूँ मैं इसमें जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया मैंने। साथ में थोड़ा सा फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो ना डालें। साथ में डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1/2 कप दही। दही बिल्कुल फ्रेश और गाढ़ा दही है। और साथ में यहाँ पे 2 बड़ी प्याज को मैंने अच्छे से फ्राई कर ली और इसे हाथ से बिल्कुल अच्छे से इसका चूरा कर लेंगे और इसे भी मिला देंगे। तो तकरीबन ये हमारी 1/2 कप होगी। तमाम चीज़ें मैंने डाल दी, इसके साथ ही जो प्याज हमने तले थे वही तेल मैंने डाल दी 1/2 कप। और इन तमाम चीज़ों को डालकर बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें कुछ साबुत मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी और 3 से 4 काली मिर्ची, 1 तेज़पत्ता। ये डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को मिलाकर हम चिकन को मैरिनेट करने रख देंगे 30 मिनट्स के लिए। अगर आपके पास वक्त कम हो तो आप फ़ौरन भी बना सकते हो। तो ये देखिए, 30 मिनट हो चुके थे, मैंने चिकन को पकने रख दी। और यहाँ पर पकते हुए चिकन को तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पर। चिकन ने काफ़ी पानी छोड़ दिया था, इसे हम अच्छे से चला लेंगे। ये देखिए, अभी चिकन में काफ़ी पानी बाकी है, मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं मिलाई थी। हम बना रहे दम का मुर्ग, दम का चिकन, तो इसे लिए ये चिकन सिर्फ दम होके ही पकेगी और दम में ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो दोबारा से मैंने इसे ढक दी। अब यहाँ पर इसको हम इसके टेस्ट को अच्छा बनाने के लिए डालेंगे 2 टीस्पून तिल, 1 टेबल स्पून खसखस। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर दें। साथ में डालेंगे 4 से 5 सब्ज इलायची, 7 से 8 बादाम और 7 से 8 काजू। अब आप इन ड्राई फ्रूट्स के बगैर भी इस चिकन को बना सकते हैं, लेकिन इसे डालोगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, चिकन को पकते हुए तकरीबन हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने फ्लेम को स्लो रखी हूँ। अब चिकन को हम चला लेते हैं ताकि नीचे लगे नहीं बिल्कुल भी। तो ये देखिए कितनी शानदार से हमारी चिकन पक रही है, कितनी देखने में ही ये मज़े की लग रही है। अभी तो मेन चीज़ इसकी मिलाना बाकी है। जी हाँ, अब हम इसमें मिलाएंगे काजू और बादाम का पेस्ट। ये काजू और बादाम का पेस्ट ऑप्शनल है, आप इन ड्राई फ्रूट के बगैर भी ये दम का चिकन बना सकते हो, लेकिन इसके मिलाने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, बहुत ही शाही चिकन ये तैयार हो जाती है। तो ये मैंने इसमें मिला दी काजू और बादाम का पेस्ट, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये काजू और बादाम का पेस्ट मैंने शुरुआत में नहीं मिलाई थी, वो इसलिए कि अगर आप इसे शुरुआत में मिला दोगे तो ये बार बार तले में लगने लगेगा और आपका मसाला जल सकता है। तो इसीलिए चिकन गलने के बाद मैंने ये इन तमाम चीज़ों को मिला दी। अब इसमें मिला दी थोड़ा सा पानी, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसे हम लीड लगाकर दोबारा से इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए पकने रख देंगे, जब तक इसका ऑयल बिल्कुल अच्छे से सेपरेट ना हो जाए। तो ये लीजिए, 5 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए और ये देखिए कितने अच्छे से इसका ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है। बहुत ही मज़े की, बहुत ही शानदार हमारी ये चिकन तैयार हो रही है और अब इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आनी शुरू हो गई है, ये देखिए। अब इसके अंदर हम इसका लास्ट टच देने के लिए इसमें डालेंगे 3 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। और ये रहा थोड़ा सा नींबू का रस, नींबू का रस मैंने 1/2 डाल दी। और अब इसमें मिलाएंगे 1 स्पून देसी घी। जी हाँ, देसी घी, इससे इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आप चाहें तो स्किप कर दें, लेकिन अगर आप मिलाओगे तो बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और लास्ट स्टेप, इसे दोबारा से ढककर 2 मिनट के लिए सिर्फ दम देंगे तो हमारी तैयार हो जाएगी दम का चिकन। जी हाँ, तो लीजिए, 2 मिनट हो चुके हैं, ये तैयार है बहुत ही मज़े की, बहुत ही शानदार दम का मुर्ग। जी हाँ, दम का चिकन, देखा आपने इसे बनाना कितना आसान था। बगैर किसी मसाला भूने हमने इस शानदार सी चिकन ग्रेवी को तैयार कर लिया। देखिए, चिकन अच्छे से गल चुकी है और इसका मसाला तो वाह कितना बेहतरीन नज़र आ रहा है। तो इसे चलिए गर्मा गर्म हम सर्व करते हैं। तो आप चाहें तो इस दम के मुर्ग को आप पराठों के साथ, लच्छा पराठा के साथ, नान, कुलचा, चावल, जिससे चाहे सर्व कर सकते हैं। मैं इसे काजू राइस के साथ आज सर्व कर रही हूँ, उसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, आप इसे चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं तो इसे खूब इंजॉय कर रही हूँ, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और रेसिपी पसंद आए तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।